हमारे देश की कांच की तरह आर पार देखी जा सकने वाली अनोखी नदी। उससे पहले ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नदी का नाम उमंगोट है। इस नदी के बारे में जानकर आप भी आज चौंकने वाले हैं, क्योंकि इसका पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा पारदर्शी है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है। इसमें धूल का एक कण भी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसे देश की सबसे साफ नदी भी कहा जाता है। भारत में नदियों की स्थिति जहां खराब से खराब होती जा रही है, वहीं ये नदी अपने देश में एक मिसाल बनी हुई है। हाँ, वैसे हम चाहें तो इसको भी दूसरी नदियों की तरह बना सकते हैं। खैर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नदी अभी तक इतनी साफ है कि इसकी तलहट बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से भी देखी जा सकती है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 95 किलोमीटर दूर है, और अगर आप वहां गए हो तो इस बार इस नदी की सैर जरूर करिएगा। यहां आए पर्यटकों का अक्सर यही कहना होता है कि हमें ऐसा लगता है मानो हम किसी कांच की सतह पर अपनी नाव में बैठे तैर रहे हो। इसकी सफाई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गौर से देखने पर भी आपको इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स, थैलियां, कागज या अन्य कोई कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा। बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने इसकी सैर करने के बाद इसे दूसरी दुनिया की नदी तक ठहरा दिया था। यही इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ रहने वाले लोग इस नदी की तुलना स्वर्ग में बहती नदी से करते हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों से ये कहा जाता है कि वो किसी भी तरह की गंदगी न फैलाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। बड़ी हंसने वाली बात कही है किसी ने कि पान पूड़ियां खाने वाले लोगों को अगर ताजमहल में पान पूड़ियां खाने दिया जाए तो वे लोग भी ताजमहल को भी लाल किला बना दें। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस नदी को गंगा की तरह पवित्र करके छोड़ेंगे या इसे उमंगोट नदी ही बने रहने देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको जिस प्रकार के भी वीडियोस चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही नए व ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के साथ। धन्यवाद।